BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस सर्विस के अंदर मेरे को बहुत सारा, जो इतना 13 साल से इस फील्ड में हूँ, सर्विस देते आ रहा हूँ, तो मार्केट में मेरे को ऐसा मिलता था, बहुत सारे जिन लोगों ने जब इन्वेस्ट करने के टाइम में ध्यान देते नहीं है, जब अर्निंग करते हैं ना, अर्निंग करने के टाइम में उनको पास टाइम ही नहीं रहता है एक्चुअली कहाँ कहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई आता है, किसी प्राइवेट के अंदर डाला, किसी उसमें डाला, और कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। कोई बैंक का प्रेशर में कर देते, बैंक वाले के अंदर कहीं बॉडी के लिए जाते, वो बोलते प्रेजेंटली आपको पॉलिसी करना है, कोई शेयर में डाल देता है, कुछ प्लानिंग से नहीं करता है, तो ऐसा अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर देते। उसके बाद जो मैं कस्टमर को मिलता हूँ, जो बोलते ऑलरेडी मेरा ऐसा ऐसा डाला हुआ, इसका क्या है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो मैंने स्टार्ट किया इनको, ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट का है उसका क्या सोल्यूशन देना है, तो वो सारा सर्च करके उनको क्लाइम दिलाता था मैं। अगर उसमें क्लाइम की दिक्कत है, कोई स्टॉप हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा, कोई नेम प्रॉब्लम है, उनका अकाउंट का नेम और इन्वेस्टमेंट जो किया उसमें नाम मैच नहीं हो रहा है, और किसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बॉन्ड ही नहीं होता है, तो उनके पास क्लेम कैसे लेना, इस तरह के बहुत सारे सर्विस मेरे पास आता था। उसको मैं पहले मेरे को तो ये पता नहीं था, तो मैं हर चीज को 1-to-1 इनडेप्थ जाके स्टडी करके उसको क्लेम दिलाता था। ये अभी ऐसा हो गया है, जो किसी को भी क्लेम चाहिए, किसी को भी क्लेम में दिक्कत है, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे पास आता है। मतलब बहुत सारे लोग अभी एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस का है, या कोई दूसरी कंपनी में प्राइवेट में पैसा डाला है, वो क्लेम में उन लोगों ने रोका है, क्लेम नहीं दे रहा है, तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट किया जाता है, पर फॉलोअप करने वाले बहुत से कम है। आउट ऑफ फंड रेट मुश्किल से 10-12% लोग वो उसको फॉलोअप होता है, बाकी होता ही नहीं है, ऐसे ही छूट जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसा कम हुआ है, मैंने ओम्बड्समैन में केस डालता हूँ, उसको पहले स्टडी कर लेता हूँ, उसको क्लेम आना है नहीं आना है, एज पर पॉलिसी कंडीशन क्या लिखा है, तो वो एलिजिबल है, उसको क्लेम देना है, तो मैं उसको हैंडल करता हूँ, उनको फिर ओम्बड्समैन में केस डालता हूँ, पहले ग्रीवेंस को डालता हूँ, वो आंसर नहीं देते, फिर वापस ओम्बड्समैन में डालता हूँ, ओम्बड्समैन में डालने के बाद वो केस 2-2.5 महीने के अंदर कस्टमर को 1 रुपया कहीं पे भी एक्सपेंस करना नहीं है, और बार बार जाना नहीं है, धक्का मारना नहीं है, इजीली उनको क्लेम में 2-2.5 महीने के अंदर उनको विद इंटरेस्ट और अरेस्टमेंट चार्जेस भी उनको मैं दिलाता हूँ। तो ये करते करते मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बढ़ा है कि सर्विस ऑलरेडी कस्टमर के पास जितना इन्वेस्टमेंट के करके उनका लॉस हुआ है, उसी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वापस उनको क्लेम करके दे रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि लोग पिछले 4-5 साल से इतना जानने लगे कि यार आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, या कोई शेयर में, बहुत सारे लोग शेयर में पैसा डाला हुआ है और उनका बाद हस्बैंड का डेथ हुआ है, वो डीमैट अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसी दिक्कतें बहुत ही रहती है। एक बार मैंने दीपावली के अंदर किसी ने पेपर कवर के अंदर कचरा भर के फेंक रहा था, उसमें से मैं उनको क्लेम दिलाया हूँ, करीबन 2.5 लाख तो उनको इमिडिएटली क्लेम दिलाया, और 3-3.5 लाख का उनका डीमैट पे ट्रांसफर कर पाया नेम चेंजेस वगैरह करके। ये सारा करते करते इतना एक्सपीरियंस बढ़ा कि मैं जानता ही नहीं था इस फील्ड के अंदर कि इतना सारा इन लोगों का ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ फालतू पड़ा, उसमें से हम लोग उनको क्लेम निकाल के दे सकते हैं। वो करते करते मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा बढ़ गया कि मैं इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तब ऐसा कस्टमर लोग अभी मेरे को ऐसा जानते हैं, यार आप कहीं पे भी ये प्रॉब्लम है, आपका इन्वेस्टमेंट किया है, कोई PPF है, कोई शेयर इन्वेस्टमेंट है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस का है, जो भी है आपका क्लेम का जो भी इश्यूज है, तो उनको जाके मिल लीजिए, वो आपको क्लेम इजी से करके दे देंगे। तो ऐसा कस्टमर लोगों का ऐसा पॉपुलर हो गया हमें मार्केट के अंदर कि यार आपका कोई प्रॉब्लम है उनके पास जाओ, वो सोल्यूशन दे देगा। तो इसके साथ साथ में मैंने उनका पर्सनल का डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। आपका पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, ITR और इनका व्हीकल्स का सारा में अगर स्टडी करता हूँ, सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, किसी में नाम अलग अलग होता है, किसी में एग्जाम्पल रंजीत है, किसी में रंजीत सिंह है, रंजीत कुमार है, रंजीत ये अलग अलग रहता है, तो ये इस जिले में वो लोग बहुत फंसते रहते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होते रहता है, दिक्कत आते रहते क्लेम में, तो ये भी स्टडी करके वो भी सारा डॉक्यूमेंट
एशन उनको एक ही तरह के नाम होना चाहिए, सब में नॉमिनी भी सेम होना चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने नॉमिनी दिया है तो उनका प्रेजेंट नॉमिनी का नेम और उनका आईडी प्रूफ, उनका बैंक अकाउंट नॉमिनी का सारा मैच होता कि नहीं, वो भी स्टडी करता हूँ। अगर उसमें भी मैक्सिमम 90% मिस्टेक रहता है तो बोलते कि नॉमिनी दिया हुआ, पर नॉमिनी ऑलरेडी पहले कोई अलग नाम दिया हुआ, अभी कुछ अलग चल रहा है, तो ये सारा स्टडी करके वो भी मैं करेक्शन करने लग गया। ये सारा सर्विस के थ्रू अभी मैंने एक टाइटल रखा डीजी फाइल, तो ये डीजी फाइल के थ्रू उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन, क्लाइम्स वगैरह सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। ये एक एक्सपीरियंस इतना अच्छा बड़ा मेरा कि लोगों को पास मैं बिजनेस मांगू, उससे अच्छा तो उनका ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दू, सोल्यूशन देने के चक्कर में इन बिटवीन जो अपना जो प्रोसेसर चलता है एक दो महीने का कस्टमर के साथ में, उनके साथ में मेरा रिलेशनशिप रैपो बहुत अच्छा बिल्ड होता है और उनको मैं क्लेम, मैं मतलब मांगने वाला नहीं, मैं देने जा रहा हूँ, उनका ऑलरेडी जो कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन देके उसको क्लेम दिलाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से पॉपुलर होके मेरे को मार्केट में कस्टमर को इजीली मेरे पास रीच होते हैं और उनको उसका बाद में मैं बैठ के समझाता हूँ कि आपको प्लानिंग कैसा करना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर जो ऐसा हैंडल करे उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री और एकदम इजी से उनको मनी मिलना चाहिए, आपने जो किया उसका स्ट्रगल ना होने, तो उसका बाद मेरा प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग होता है। कस्टमर बहुत बार उनका प्लानिंग रहता है कुछ पता ही नहीं रहता मेरे पास आने के पहले, वो सोचते 10,000-15,000 ऐसा ऐसा चेक उठाया मैंने, तो 1,00,000 का उनका 50,000 1,00,000 का प्लानिंग रहता है, मैंने 38,00,000 के भी चेक उठाया, 28,00,000 का भी चेक लिया हूँ, रिसेंटली 11,00,000 का चेक लिया, मतलब ऐसा कस्टमर को हम लोग प्रॉपर वे से अगर प्लानिंग इन डेप्थ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनका क्या क्या प्रॉब्लम है सब सोल्यूशन हम लोग ढूंढ के देंगे तो अपना मार्केट में रियली बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और उनको प्रॉपरली ये सारा जो सर्विस देता हूँ उसके बाद वो समझता है यार ये बंदा एकदम परफेक्ट सर्विस दे रहा है, इनका पास मेरे को सुनना चाहिए, तो हम लोग जैसा उनको प्लानिंग करते तो वैसा वो स्टार्टिंगली हमारे साथ में बैठते हैं, फिर प्लानिंग सुनते हैं, फिर प्लानिंग हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। तो ये प्रोसीजर करीबन 2-3 महीने का होता है, ये 2-3 महीने के अंदर मेरा कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त बनता है, फिर वो लाइफ में चाहे कितने भी एजेंट हो कैसा भी उनको बोले नहीं सर हमारा ऑलरेडी एक एडवाइजर है उनके साथ में मेरा काम होता है, जो भी हमारा काम संभालेंगे वही देखते, ऐसा आंसर मिलता है। ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था सर। टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। बी आई टीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।